नमस्कार। बिजनेस में सफलता पानी है तो कस्टमर की ये तीन बातों को समझें। अगर ये तीन बातों को आप समझ गए ना, तो आप बिजनेस में कभी मात नहीं खाएंगे। नंबर वन, कस्टमर्स क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या पसंद करते हैं। अगर ये आदत अगर कस्टमर की आपने पहचान ली ना, तो आप कभी मात नहीं खाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस की रणनीति बनाते हैं ना, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएं। बायजू रविंद्र का नाम तो आपने सुना होगा, एक छोटे से टीचर थे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छी थी। एक बार ऐसे ही केट का एग्जाम दिया और 100 में से 100% लाए। उनको लगा कि यार ऐसे तुक्के में आगे होंगे। दोबारा वापस दिया, अगेन 100 में से 100% लाए। तीबारा वापस दिया, अगेन 100 में से 100% लाए। उनको लगा कि यार कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने धीरे 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 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने स्टेडियम में क्लास ली। उनके पास जगह छोटी पड़ गई और स्टेडियम में क्लास लेने लगे। तब उन्होंने लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। 2015 में बायजू द लर्निंग ऐप की स्थापना की और आज भारत का सबसे नंबर वन लर्निंग ऐप है। 24 लाख पेड सब्सक्राइबर्स हैं, 3.5 करोड़ यूजर्स हैं। तो बायजू रविचंद्र ने क्या देखा, क्या महसूस किया, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम को समझे और आज इस स्थान पर पहुंचे। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो देखें कस्टमर क्या सुनना पसंद करते हैं, कस्टमर की क्या पसंद है, कस्टमर की ना क्या ना पसंद है। अगर ये देखकर अगर आप रणनीति बनाओगे ना, तो आप कभी भी बिजनेस में मात नहीं खाओगे। सेकंड, देखें कस्टमर्स की मुश्किलें क्या हैं, उन मुश्किलों के ऊपर रणनीति बनाएं, उन मुश्किलों को दूर करें। अगर कस्टमर्स की मुश्किलों को दूर करेंगे और उसके ऊपर रणनीति बना के आप बिजनेस में अप्लाई करेंगे ना, तो आप बिजनेस में कभी मात नहीं खाएंगे। इसका सबसे सटीक एग्जांपल है जियो। जियो का पता है आपको कैसे आइडिया आया? मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी। एक बार वो छुट्टियों में अपने घर पर आती है और यूनिवर्सिटी का कुछ काम घर पर ही ऑनलाइन करती है। लेकिन उसे दो प्रॉब्लम फेस हुई, एक तो नेटवर्क की समस्या, दूसरा लो इंटरनेट डाटा। जब यह बात उसने अपने पापा को बताई ना, तो उसी वक्त एक आइडिया दिमाग में आया। उस वक्त भारत में सबसे बड़ी समस्या थी एक तो नेटवर्क की समस्या और दूसरा लो इंटरनेट डाटा। इन दोनों की प्रॉब्लम को समझा मुकेश अंबानी ने, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और जब 5 सितंबर 2016 में जियो की लॉन्चिंग हुई, जब जियो मार्केट में आई थी, तब बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में थी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और टाटा। इनको टक्कर देना था जियो का। उसमें भी जियो ने रणनीति बनाई। पहले 6 महीने जियो ने अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा और अनलिमिटेड डेटा इंटरनेट दिए और इस रणनीति के तहत जियो शुरुआत में तो नुकसान में चली, लेकिन उसके बाद जियो प्रॉफिट में आई और आज आप जानते हो जियो टेलीकॉम कंपनी सबसे नंबर वन कंपनी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। और आज सिर्फ 3 कंपनी रह गई है प्राइवेट सेक्टर में, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया और जियो, जिसमें सबसे नंबर वन पोजीशन पर है जियो। तो जियो जब मार्केट में उतरी, तो इसने कस्टमर की प्रॉब्लम को समझा और उस प्रॉब्लम को इसने सोल्व किया और तब मार्केट में उतरी। और फिर देखिए आपने कैसे सफलता पाई। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है बिजनेस में, तो कस्टमर की मुश्किलों को समझे कि कस्टमर क्या मुश्किल फेस कर रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप दूर कर दीजिए। मेरा दावा है आपसे, आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। थर्ड, कस्टमर क्या महसूस करते हैं। आप अपने बिजनेस की रणनीति कस्टमर क्या महसूस करते हैं, कस्टमर क्या पसंद करते हैं, उसके ऊपर बनाइए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जोमेटो का देखिए आप। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने ये जोमेटो की स्थापना की। जोमेटो आपने देखा होगा फूड डिलीवरी करती। ये ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और वहाँ उनको आइडिया आया। वहाँ पे मेन्यू कार्ड के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगती थी। उनको एक आइडिया आया कि यार यहाँ इसमें बहुत समय की बर्बादी होती, तो उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई और उस मेन्यू कार्ड को उस वेबसाइट पर अपलोड कर दी
और देखते ही देखते वो वेबसाइट पॉपुलर हो गई। तब उनको लगा कि यार के एक प्रॉब्लम और भी कस्टमर्स फेस कर रहे हैं कि कभी कस्टमर घर पे बैठे हैं और उनको उस रेस्टोरेंट के पास में जाने का समय नहीं है, तो वो क्या करें, किसी आदमी को भेजेंगे फूड लाने के लिए। तो उनको आइडिया आया क्यों ना उनको वो फूड डिलीवरी घर पर डिलीवरी की जाए, तो यह आइडिया उनका बहुत काम कर गया। और आज आपको पता है जोमेटो स्टार्टअप में 1,00,000 करोड़ की कंपनी है। तो यह सब कैसे पॉसिबल हुआ? यह सब ऐसे पॉसिबल हुआ कि इन्होंने कस्टमर्स की प्रॉब्लम को महसूस किया कि कस्टमर क्या चाहते हैं और उसी प्रॉब्लम पर इनको इन्होंने सॉल्यूशन दिया और आज टॉप लेवल पर पहुंचे। इसीलिए बिजनेस में अगर आपको रणनीति बनानी है तो कस्टमर को ध्यान में रखकर आपको रणनीति बनानी होगी। कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, कस्टमर को क्या पसंद है क्या ना पसंद है, उसके ऊपर आप रणनीति बनाइए, आप कभी मात नहीं खाएंगे। इसी के साथ आज यहीं, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।